भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। उसी संस्थान के एक छात्रा के साथ तीन युवकों ने जो बर्बरता और क्रूरता दिखाई वो भाजपा के IT सेल के बताए जा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी के साथ है। इतना ही नहीं, इन कथित आरोपियों के बारे में ये भी साफ हो गया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी सेवाएं ली गई थी। ये सारी बातें इस दुखद स्थिति की ओर इशारा करती हैं कि जो पार्टियां लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती हैं और जिनकी सरकारें केंद्र और राज्य दोनों जगह है, वही ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल पाई जाती हैं। फिर आम आदमी का विश्वास कैसे होगा कानून पर? IIT BHU में जो कुछ भी हुआ, सभी माता पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से दूर भेजने से डरेंगे। इसका सीधा असर लड़कियों की शिक्षा और विकास पर पड़ेगा। पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर के बाद अपने हॉस्टल में घूम रही थी, तभी इन तीन दरिंदों ने न सिर्फ उसे अपनी शैतानी हवस का शिकार बनाया बल्कि इस अमानवीय कृत्य और कुकृत्य को कैमरे में भी कैद कर लिया। कारण, पीड़िता को चुप कराना रहा होगा। दुखद बात यह है कि जब इस छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की शिकायत संस्थान के आला अधिकारियों से की तो उसके घाव पर मरहम पट्टी करने और हर तरह से न्याय सुनिश्चित करने के बजाय उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब छात्रों ने इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन शुरू किया तो कुछ हद तक पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। टाल मटोल का सिलसिला जारी रहा और इस तरह से ये हैवान 2 महीनों तक खुले घूमते रहे। 30 दिसंबर को तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन्हें सजा मिलेगी और एक मिसाल कायम होगी ताकि भविष्य में कोई भी जाहिल व्यक्ति हमारे देश और समाज को नुकसान न पहुंचा सके। IIT BHU मामला बेहद दर्दनाक है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इन कथित आरोपियों ने ये जघन्य कृत्य किया है। पुलिस ने जानकारी दी कि इससे पहले भी कैंपस में हुई छेड़छाड़ की 3 घटनाओं में भी ये लोग शामिल थे। आरोपी कुणाल, आनंद उर्फ अभिषेक और सक्षम को जेल भेजने के बाद पुलिस अब चार्जशीट तैयार कर रही है। इस बीच छानबीन में सामने आया कि तीनों आरोपी पोर्न एडिक्ट हैं। उनके मोबाइल में पोर्न वीडियो और हिस्ट्री में पोर्न वेबसाइट्स के लिंक मिले हैं। फोन के बैकअप में भी कई सारी पोर्न वीडियोस और अश्लील तस्वीरें पाई गई हैं। जब इतने उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, तो हमें कल्पना करनी चाहिए कि देश की अन्य छोटी छोटी जगहों पर छात्राओं और बच्चियों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा और न्याय पाने के लिए कितनी यातनाओं से उनको और उनके परिवार को गुजरना पड़ता होगा। हमें इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए कि देश की मीडिया ने इस पूरी घटना पर उसी तरह फोकस क्यों नहीं किया जैसे साल 2012 में दिल्ली के अंदर निर्भया के साथ हुई बेहद दिल दहला देने वाली घटना के मामले में किया गया था। क्या ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कथित आरोपियों का सत्ताधारी अभिजात वर्ग से गहरा संबंध है, या इसलिए कि ये घटना दिल्ली के बजाय बनारस में हुई है जहां कोई विपक्षी दल सत्ता में नहीं है? हमें समझना चाहिए कि यदि मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से नहीं निभाएगा तो न जाने कितने उत्पीड़ित लोग गुमनामी में सिसकते हुए मर जाएंगे और न्याय का खून बह जाएगा। दबे कुचले लोगों और उत्पीड़ित लोगों की आवाज बनना और उनमें ये विश्वास पैदा करना कि मीडिया उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूद है, इस पेशे का गौरव है। सत्ता का अत्याचार, वंचितों का बचाव करना या उनके घृणित कार्यों पर पर्दा डालना पेशे को कलंकित करता है। यदि हम चाहते हैं कि ऐसा समाज हो जहां शांति स्थापित हो, मान सम्मान की रक्षा हो तथा जानो माल को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, तो ऐसे देश में राजनीतिक दलों को भी अपने मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहिए कि उनके पास अपराधियों और ठगों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो समाज न्याय के प्रति निराश हो जाता है। ये एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व में सबसे बड़ी बाधा है। अगर हमें आगे बढ़ते रहना है तो बेटियों की सुरक्षा सिर्फ नारों में ही नहीं बल्कि हकीकत के धरातल पर भी सुनिश्चित करनी होगी, वरना बेहतर भविष्य का सपना एक शर्मनाक एहसास होगा।